वेलकम दोस्तों, फिर से आपको एक बार स्वागत है बीसीबी में, बॉस द कमर्शियल व्हीकल्स। आज हम बात करेंगे फोर्स ट्रैवलर 3050 सुपर फ्लैट रूप। इस गाड़ी के बारे में इसका डिटेल्स बताएंगे, मार्केट में किसके साथ कम्पीट करता है वो भी बोलेंगे, इसका माइलेज, प्राइस, स्पेसिफिकेशन सब कुछ इसमें दिया गया है। अब आते हैं इसके डिटेल्स पे, जो डिटेल्स हमने बनाए हैं आपको दिखाने के लिए। इसका जो स्पेसिफिकेशन है, इंजन डिस्प्लेसमेंट 2596 सीसी, इंजन है एफएम 2.6 सीआर, फोर सिलेंडर टाइप कॉमन रेल इंजन है, फ्यूल टाइप डीजल, ये एमिशन नॉर्म्स BS4 में चलता है। मैक्सिमम पावर जो जनरेट करता है 90 एचपी एट 2800 आरपीएम। मैक्सिमम टॉर्क ये तगड़ा टॉर्क देता है 250 न्यूटन मीटर एट 1400 टू 2400 आरपीएम। सीटिंग कैपेसिटी, ये गाड़ी का दो वेरिएंट है, जो सीटिंग कैपेसिटी 9 प्लस ड्राइवर एंड 11 प्लस ड्राइवर में ये गाड़ी अवेलेबल है। बात करते हैं इसका ट्रांसमिशन टाइप में, जो कि सबसे स्पेशल चीज है, ये सिंक्रोमस ट्रांसमिशन टाइप में दिया गया है। हम लोग सिंक्रोमस ट्रांसमिशन टाइप के बारे में बाद में आपको डिस्कस करेंगे, दिखाएंगे कुछ चीजें। अब आते हैं गियर पे, नंबर ऑफ गियर्स इसमें 5 फॉरवर्ड गियर है, 1 रिवर्स गियर है, जो कि जिनमें से 5th गियर इसका ओवरड्राइव में चलता है। एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात की जाए तो फ्रंट एक्सेल्स इसका डेड रिजिड आई बीम, जो कि रिवर्स इलियट टाइप है। रियर एक्सेल इसका लाइव रिजिड टाइप है। सस्पेंशन, फ्रंट सस्पेंशन सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग विद हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स एंड एंटी रोलर बार, जबकि इसका रियर सस्पेंशन सेमी इलेक्ट्रिकल स्प्रिंग्स विद हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स है। स्टीयरिंग, ये मैनुअल स्टीयरिंग में ही आता है, पावर स्टीयरिंग इसका ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो ऑप्शन में मिल सकता है। टर्निंग रेडियस इन मीटर्स 6 मीटर है इसका टर्निंग रेडियस। व्हील और टायर्स 215/75R15, ये इसका टायर का स्पेसिफिकेशन है। अब बात करते हैं ब्रेक्स पे, इसका जो ब्रेक्स का टाइप्स है वो हाइड्रोलिक ड्यूअल सर्किट वैक्यूम असिस्टेड ABS विद EBD। अब फ्रंट ब्रेक्स में बात करते हैं, 4 पिस्टन वाला वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स विद वेयर इंडिकेटर। रियर ब्रेक्स में ड्रम यूज किया गया है इस गाड़ी में। पार्किंग मैकेनिकल ऑन रियर व्हील्स। डाइमेंशंस जो हम बात करेंगे, ऑल आर इन mm। व्हील बेस है 3050, ओवरऑल लेंथ 4935, ओवरऑल विड्थ 1900, ओवरऑल हाइट 2550, ओवरहैंग फ्रंट 900, ओवरहैंग रियर 985 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 210, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 70 लीटर्स, वारंटी जो कि कंपनी प्रोवाइड करती है 3 इयर्स 3 लाख किलोमीटर एंड 7 फ्री सर्विसेज। सिटिंग टाइप है रिक्लाइनर एंड हाई बैक। अब इसका सिंक्रोमस G28 गियर बॉक्स फॉर एफर्टलेस गियर शिफ्टिंग के बारे में बात करेंगे। मैंने स्क्रीन पे आपको ये जो गियर बॉक्स दिया गया है उसका डिजाइन दिखाया है, इस मैकेनिज्म में ये गियरबॉक्स काम करती है। अब ये तस्वीर जो गियरबॉक्स दिया गया है उसका है, मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ, जो डिफरेंस सिंक्रोमस गियरबॉक्स का एफिशिएंसी बढ़ाता है और जो एडवांटेज देती है उसके बारे में ये पॉइंट है। इस सिंक्रोमस गियरबॉक्स यूजुअली manually operated transmission in which a change of gear takes place between gears,
that are already revolving at the same speed. जबकि two synchronized gears can engage with one another running at different speed without any jerking. Whereas non-synchronous gear will cause jerking unless their mating speed are equal. मेन इसका डिफरेंस मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ, जो कि ऑर्डिनरी गियरबॉक्स टेक्नोलॉजी लगा होता है उसमें क्या होता है। मान लीजिए आपकी गाड़ी एक नॉर्मल स्पीड 50 या 60 पे चल रहा है, आप उसको स्पीड अगर कम नहीं किया, गियर चेंज किया, तो आपको एक जर्क लगता है, फील होता है। जबकि टू सिंक्रोमक्स गियरबॉक्स में आप स्पीड कोई भी रखिए, क्लच किया और गियर शिफ्ट किया, तो कोई जर्क नहीं लगेगा। यही इसका एडवांटेजेस है जो कि इस गाड़ी में दिया गया है। अब इसकी प्राइस के मुद्दे पे आते हैं, जो प्राइस रेंज इसका रखा गया है। नॉर्मली प्राइस रेंज वेरिएंट्स जो है दोनों 11 सीटर एंड 9 सीटर 11 लाख से शुरू होता है। ये तो एक शोरूम प्राइस है, ये डिफर कर सकता है सिटी टू सिटी, स्टेट टू स्टेट। अगर स्पेसिफिक प्राइस आपको चाहिए तो नियर शोरूम में जाके बात कीजिए, आपको स्पेसिफिक प्राइस मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके माइलेज के मुद्दे पे। माइलेज जो ARAI ने दिया है, मतलब ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसका माइलेज है 11.6। ये माइलेज फिगर आर अचीव्ड इन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशंस में ये माइलेज मिला है, मतलब इसका लोडिंग कैपेसिटी, रोड कंडीशंस, स्पीड मेंटेनिंग, ये सब स्टैंडर्ड कंडीशंस है और आइडियलिज्म है। मगर ये एक्चुअल में नहीं मिलता है, नहीं कोई भी गाड़ी का आप उठा के देख लीजिए डिफरेंस आता ही है, वो कंपनी का आइडियलिज्म माइलेज है। लेकिन थोड़ा बहुत इसमें डिफर आएगा, वो आपकी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसका जो सीटिंग कैपेसिटी है उसका व्यू कैसा है दिखाते हैं आपको। ऊपर वाला जो डायमेंशन मैंने दिखाया है वो 11 सीटर वाला है प्लस ड्राइवर, और नीचे वाला 9 सीटर प्लस ड्राइवर। अब इसका जो मोनोको बॉडी ये टेक्नोलॉजी में बना है, ये क्या इंश्योर करता है, टोटल सेफ्टी एंड कार लाइक राइडिंग क्वालिटी। मतलब एक छोटी गाड़ी में आपको जैसे राइडिंग क्वालिटी मिलता है, इस गाड़ी में भी आपको सिमिलर क्वालिटी का राइडिंग क्वालिटी एंड सेफ्टी इसमें आपको मिलेगा। इसका जो मेन कंपटीटर आता है मार्केट में वो है टाटा विंगर। अब डिफरेंसेस क्या है मेन कंपटीटर के साथ, जो कि डिस्प्लेसमेंट इंजन इसका फोर्स ट्रेवलर का ज्यादा है, 2596 टाटा विंगर 2200 सीसी का है। और जिस पॉइंट पे मैं इसका डिफरेंस दिखाया हूँ वो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम टॉर्क का डिफरेंस दिखाया, क्लच, फ्यूल टैंक, फ्रंट टायर, रियर टायर, व्हील बेस, ओवरऑल लेंथ, ओवरऑल विथ, ओवरऑल हाइट, ग्राउंड क्लियरेंस, दोनों गाड़ी में पहले वाले ये अपना फोर्स ट्रेवलर 3050 सुपर फ्लैट रूफ वाला, इसका ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है 210 mm, जबकि टाटा विंगर का 165 mm है। ग्रॉस व्हीकल वेट्स इन केजीज अगर दिखे आप अगर देखे तो इसका ज्यादा है, फोर्स ट्रेवलर का 3510 केजी है जबकि टाटा विंगर का 2990 केजी है। अब डिफरेंस जो लुकिंग एंगल लुक्स के बात करते हैं, अब लुक्स पे जाएंगे तो ये टोटली डिपेंड्स, दोनों गाड़ी दिखने में बहुत अच्छी है लेकिन इट कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू, कुछ लुक इज प्रेफरेबल फॉर यू, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि हर व्यक्ति का व्यू अलग अलग होता है। आज इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग द प्रैक्टिकल रिव्यू ऑफ फोर्स ट्रेवलर 3050 सुपर फ्लैट रूफ। अगर आपको मेरे प्रेजेंटेशन में परफेक्शन लगे, सही लगे, तो प्लीज दोस्तों लाइक, कमेंट एंड शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरा यूट्यूब चैनल आईडी नीचे दिया गया है। थैंक्स फॉर
वॉचिंग।